अस्सलामुअलैकुम फ्रिकन प्रो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कॉर्न ग्रेन का न्यू फ्लेवर जिसकी स्टार्टिंग कर रही है हमारे 10 इंचेस के ब्रेड साइज से। इसकी हील पे जो आ रही है हमारी वो स्मोकी बारबेक्यू सॉस जो कि नॉन स्पाइसी सॉस होती है। एंड देन इस सॉस के बाद हमारे फ्राइज आएंगे जो कि बेक के, इसके अंदर कोई भी ऑयल की फिलिंग स्टक नहीं हुई भी। एंड इसके कॉर्न ग्रेन के जो हमारे फ्लेवर हैं वो ऑलरेडी 4 फ्लेवर्स पे सर्व किए जाते हैं, जिसके अंदर बीफ आता है, ग्रिल्ड चिकन आता है, फ्लेट चिकन आता है और सॉसेजेस वाला इसका फ्लेवर है। ये वाला फ्लेवर जो हमारा मेंटेन हो रहा है वो डायनामाइट चिकन के साथ सर्व किया जाएगा। इसमें आपके पास 4 पीसेज ऑफ डायनामाइट चिकन को चॉप किया जाता है। एंड देन 1/2 kg इस चिकन के बाद हमारे पास के साइड लाइन मीट्स आएंगे जो कि 2 टाइप्स के होंगे। उस साइड लाइन मीट के साथ हमारा जो ये डायनामाइट का टेक्सचर है क्रिस्पी वो बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा। ये नॉर्मली 4 पर्सन्स के लिए इनफ सर्विंग देती है और आप इसकी स्टफिंग भी चेक कर सकते हैं कि इसकी जो लोडिंग है बिल्कुल ही टॉप तक हुई हुई होती है। इस डायनामाइट चिकन के बाद हमारी सेकेंड लेयर आ रही है चिकन की जो कि साइड लाइन मीट में आती है। पेपरोनी स्पाइसेस ब्लैक पेपर के साथ ये सर्व किया जाता है। रॉ मीट हमारा जितना भी होता है चिकन का वो केनन्स का होता है, तो आपका लीन मीट रहता है और फ्लेवर जो है वो आपका स्टैंडर्ड और ब्रांडेड अवेलेबल होता है। सॉसेजेस के चंक्स आएंगे जो कि हमने मॉल्ट के अंदर सॉटे किया ना, मॉल्ट जो है वो हमने लाइम मॉल्ट यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, तो बिल्कुल स्लाइटली सा टैंगी फ्लेवर आपको टच बैट देगा। इसके ऊपर टॉप की जा रही है हमारी स्पाइस सॉस जो कि है मैरिनारा सॉस। इसकी 2 लेयर्स आएंगी, फर्स्ट आएगी इसकी चीज़ स्लाइस से पहले और सेकेंड आएगी इसकी चीज़ स्लाइस से बाद। चीज़ स्लाइस जो है हमारी वो रेड चेडर है, जिसके अंदर आपको चैडर चीज़ और मोर्ज़रेला चीज़ दोनों का टेक्सचर मिल जाएगा, तो आपकी चीज़ फुल और चीज़ का फ्लेवर दोनों ही रिच और स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऑप्शन 8 अगर आप स्पाइस लवर नहीं हो तो आप स्पाइस सॉस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अदरवन स्पाइस टेक्सचर के साथ ये फ्लेवर होगा। इस चीज़ स्लाइस से कवर करने के बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे एलोमिनोस। एलोमिनोस की फिलिंग के बाद हमारे पास आ रही है अगेन इसमें स्पाइस सॉस जो कि मैरिनारा सॉस है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बटरी कॉर्न ग्रेन है वो बहुत फ्लफी होता है, तो उसके इनसाइड तो बटर इंक्लूडेड है ही, इसके टॉप पे भी हम अनसॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे ताकि इसका टॉप भी बिल्कुल सॉफ्ट रहे और आपकी ब्रेड लास्ट बाइट तक बिल्कुल फ्लफी रहे। बेकिंग टाइम जो कॉर्न ग्रेन का है वो 3-5 मिनट्स है। एंड देन इसके बाद आपकी टेबल पर सर्व कर दिया जाता है। ये कॉर्न ग्रेन जा रहा है हमारा बेकिंग के अंदर, जिसका बेकिंग टाइम है 3-5 मिनट्स। एंड देन इसके बाद ये कॉर्न ग्रेन बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा, आउटर लेयर और इनसाइड इसकी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये कॉर्न ग्रेन हमारा रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। आप देख सकते हैं कि इसकी सॉफ्ट एंड क्रंची ब्रेड आपको सर्व की जाएगी। एंड देन आपकी 4 सर्विंग जो है बिल्कुल इनफ है इसकी मील साइज़ के लिए।